नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और आज दोस्तों रेलवे के कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यू अपडेट्स हैं जिसको आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर है दोस्तों, पटरी से उतरी ट्रेन 3 घंटे की देरी से पहुंची शिवपुर। शुद्ध शाकाहारी होगी देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा बिना लहसुन प्याज का भोजन। बहुत अच्छा है, रेल की शिकायत मिनटों में करें दूर, इस ऐप पर जाएंगे और इस ऐप से ये सुविधा मिलेगी। और रेल यात्रियों को अब पहले से आधे घंटे पहले उनको वेकअप कॉल आ जाएंगे। और चौथी खबर है दोस्तों, भारतीय रेलवे अब एल्युमिनियम के कोच बनाएगा जो हल्की और फ्लेक्सिबल और काफ़ी ड्यूरेबल होंगे। अब दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों पहली खबर ये है दोस्तों कि श्योपुर से आने वाली ट्रेन जो है वो सबलगढ़ में पटरी से उतर गई। सबलगढ़ से श्योपुर आने वाली ट्रेन के 3 घंटे की देरी से आने के कारण श्योपुर से सबलगढ़ जाने वाली ट्रेन भी 1.25 घंटे लेट हो गई, जिस कारण ट्रेन के यात्रियों को खासी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल हर रोज़ सुबह 6:15 बजे सबलगढ़ से नैरो गेज ट्रेन श्योपुर के लिए चलती है, जो 11:50 पर श्योपुर पहुँचती है। रोज की भांति यह ट्रेन सोमवार को भी अपने निर्धारित समय पर शिवपुर के लिए रवाना हुई, मगर सबलगढ़ स्टेशन से कुछ दूर चलते ही ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। बताया गया कि ट्रेन में स्टाफ ने काफ़ी मशक्कत के बाद बोगी को पटरी पर चढ़ाया है, जिसमें करीब 3 घंटे का वक्त लग गया, जिस कारण यह ट्रेन करीब 3 घंटे की देरी से दोपहर 2:50 पर शिवपुर पहुँची और फिर यहाँ से शिवपुर से 1 घंटे 1.25 घंटे लेट रवाना हुई। और दोस्तों दूसरी खबर है, शुद्ध शाकाहारी होगी देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन की जो भोजन है वो। देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन इंदौर वाराणसी एक्सप्रेस में ट्रेन टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन शुद्ध शाकाहारी भोजन मुहैया कराएगा। इसके पीछे मंशा यह है कि ट्रेन में ज़्यादातर यात्रियों की संख्या ज्योति लिंगों के दर्शन करने वालों की होगी, जो शाकाहारी हुई भोजन पसंद करेंगे। वैसे भी दोस्तों ये काशी से और वहाँ तक चलेगी, उज्जैन तक चलेगी, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो लोग होंगे शाकाहारी होंगे। जल्द ही ट्रेन का ट्रायल होगा, अभी इसके चलने का समय निर्धारित नहीं हुआ है। और पहली कॉरपोरेट जो तेजस ट्रेन है दोस्तों लखनऊ से दिल्ली चल रही है, दूसरी जो है मुंबई से अहमदाबाद, और तीसरी ये ट्रेन है जो काशी विश्वनाथ से महाकाल के बीच चलेगी। यह ट्रेन स्लीपर होगी, इसमें सुविधाएं तेजस की होंगी और बोगियां हम सफ़र की होंगी। ये पूरी तरह से एसी होगी, इसमें एक पेंट्री कार, 2 जनरेटर यान और 18 बोगियां होंगी। बोगियों के रैक वाराणसी पहुँच चुके हैं, 21 फरवरी को ट्रायल होने की उम्मीद है दोस्तों। और तीसरी खबर है, रेलवे की शिकायत मिनटों में करें दूर इस ऐप की मदद से। दोस्तों रेल मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया है कि रेल मदद एक ऐप है जिसकी मदद से आप चाहे तो अपनी शिकायतें पूछताछ सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसके जरिए ग्राहक फ्रेट और पार्सल की भी शिकायत कर सकते हैं, इसका रियल टाइम फीडबैक भी उन्हें मिलता रहेगा। इस ऐप में 12 भाषाएं हैं जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। और इस ऐप में NTES, PRS, UTS, ICMS ये सारी लिंक्ड हैं, जिससे आप चाहे तो ये पहुंच सकते हैं। ये सब टिकट और उसके सेंटर से दोस्तों वो है वेबसाइट से। इसमें यात्रियों को अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा, इसके बाद OTP की मदद से लॉगिन करेंगे। इसमें यूज़ करने का तरीका ये है, शिकायत करने के लिए पहले यात्रियों को अपना PN नंबर डालना होगा, इसके बाद शिकायत की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी, यहाँ से शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस ऐप के जरिए आप अपनी शिकायत करते हुए तस्वीर भी लोड कर सकते हैं, जो समस्या है तस्वीर उसको भी आप जान सकते हैं। अच्छी ऐप है दोस्तों, और ऐसे इनिशिएटिव रेलवे के काफ़ी कारगर होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के और क्या क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं जिससे कि रेलवे को फ़ायदा हो और यात्रियों को भी। चौथी खबर है दोस्तों, स्टेशन आने के पहले आपको फ़ोन पर ही वेकअप कॉल आ जाएगा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हालांकि ये पुरानी सुविधा है, ये पता नहीं क्यों लिखी जा रहा है, आई डोंट नो। इसमें यात्रियों को मदद मिलेगी, कई बार सफ़र के दौरान यात्री सो जाते हैं, उनका स्टेशन पीछे छूट जाता है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आप लोग भी कभी न कभी इस तरह की परेशानी का सामना किए होंगे, अगर किसी ने इस तरह का अनुभव किया है तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें, मैं भी बताऊंगा। मैं भी एक बार इस तरह से फंस गया था और आगे पहुंच गया था, उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो दोस्तों फिर ये जो सेवा है IRCTC और भारत BPO की तरफ से है, और इसमें आप 139 पर फ़ोन करके आपको गंतव्य स्टेशन की डेस्टिनेशन की जगह और ये सब आप भर देंगे तो आधे घंटे बाद आपको कॉल आ जाएगा और आप कॉल से उठ सकते हैं। दोस्तों पांचवी खबर महत्वपूर्ण है, पांचवी खबर ये है, वर्ल्ड क्लास एल्युमिनियम के कोचेज बनाएगा अब। ये कोरियन कंपनी के साथ ये TOT हुआ है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे करार हुआ है,
और ये भारत की जितनी भी अब ट्रेनें होंगी उनमें एलुमिनियम के कोचेज़ बनेंगे, एलुमिनियम बॉडीज़ होगी, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगी और ड्यूरेबल होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबरें, मिलते हैं फिर कल कुछ नई खबर कुछ नई जानकारी लेके। तब तक के लिए विदा कीजिए अपने दोस्त को, नमस्कार दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।